मेरे प्रियो, ये मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? आर्क ऑफ कोवेनेंट, वाचा का संदूक। हालेलुया। ये बताता है परमेश्वर की उपस्थिति को। इट डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ लविंग लिविंग गॉड। ऊपर देखिए, ये दो करूब हैं, चेरुबिंस, और ये जो है प्रायश्चित का ढकना है। हालेलुया। इब्रानियों 9 उसके चौथे और पांचवें वचन में आप पढ़ सकते हैं कि क्या ये जो वाचा का संदूक है उसमें क्या क्या था। मेरे प्रियो, आइए पढ़ते हैं इब्रानियों 9 चौथा और पांचवा वचन। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फल फूल आ गए, और वाचा की पटियां थी, उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। मेरे प्रियो, ये वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, दर्शाता है। और उसके अंदर क्या थी? 10 आज्ञाएं थी जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा था। 10 आज्ञाएं। तू मुझे छोड़, दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू हत्या नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू चोरी ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, झूठी साक्षी ना देना, व्यभिचार नहीं करना, किसी दूसरी स्त्री, घर, उसके जीव जानवर का लालच नहीं करना। ये 10 आज्ञाएं निर्गमन 20 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखकर मूसा को, अपने जो सेवक था उसको दी, अपने नबी को दी, पत्थर में लिख के। ये वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर की 10 आज्ञाओं की पटिया थी। और ये जो आज्ञा है, बाइबल बताती है नीतिवचन 13:13 में, नीतिवचन 13वां अध्याय और उसका 13वीं आयत में, जो वचन को मानता है वो आशीषित होता है, परंतु जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है। जब हम वचन को मानेंगे तो हम इनाम, प्रतिफल, रिवॉर्ड पाएंगे, अवार्ड पाएंगे, यीशु से पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा। मेरे प्रियो, और बाइबल बताती है, पहला सामवेल 15 अध्याय 22वां वचन, वहां लिखा हुआ है बलिदान चढ़ाने से बेहतर है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। दान देने से, बलिदान चढ़ाने से, कुछ और दूसरा ऐसा काम करने से बढ़कर है, उससे बेहतर है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 2 और 3 वचन, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। यीशु ने खुद अपने ओठों से कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14 अध्याय और 15वां वचन। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे हम आशीषित होंगे। आपका भविष्य आशीषित हो जाएगा। योर फ्यूचर विल बी ब्लेस्ड, ओ ब्राइटर, यस, आपकी हालेलुया भविष्य, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। और दूसरी चीज जो थी ये वाचा के संदूक में, हारून की छड़ी थी, जो छड़ी ऐसी साधारण नहीं थी, परमेश्वर की सामर्थ से, वो परमेश्वर अपना सामर्थ बता रहा था कि मैंने हारून को चुना है मेरी सेवा करने के लिए। उसकी छड़ी में से फल फूल कलियां निकली, असंभव संभव हो गया। छड़ी में से कली निकलेगी, फल फूल निकलेंगे नहीं, और बादाम भी फले उसमें। बादाम बड़ा पौष्टिक रहता है ना, न्यूट्रिशियस रहता है बादाम, लोग खाते हैं, आप भी खाते होंगे बादाम को, है ना? देखिए, हालेलुया, ये है बादाम, बादाम।
हारून की छड़ी में बादाम भी लगे, हालेलुया। और मेरे प्रियो उसमें फिर वो गोल्डन पॉट में मन्ना था। मन्ना क्या है? परमेश्वर ने ओ जब वो इजरायली लोग बड़े मिस्र की गुलामी से निकल के बयाबान में से, वो विल्डरनेस में से, जहां कोई खाने का पानी पीने का इंतजाम नहीं था, परमेश्वर ने अद्भुत उपाय किया, रोज उनके लिए मन्ना बरसाया। मन्ना क्या है? बाइबल बताती है भजन संहिता 78 उसका 24 और 25वें वचन में, मन्ना जो है स्वर्गदूतों का भोजन है, इसलिए वो बड़े बलशाली रहते हैं, स्वर्गदूत ताकतवर रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। परमेश्वर ने अपनी दया से हो अपने लोग जो मिस्र की गुलामी में से निकल के जा रहे थे प्रतिज्ञा की हुए देश में, बयाबान में से, परमेश्वर ने उन्हें मन्ना स्वर्गदूतों का भोजन खिलाया। वो कैसा था? सफेद पापड़ जैसा, छोटा छोटा धनिए के पापड़ जैसा, और उसका जो स्वाद था, टेस्ट था, हनी जैसा था, शहद, मधु जैसा। मधु सबको अच्छा लगता है कि नहीं? शहद मीठा रहता है। यीशु अपने बच्चों की परवाह करता है, चिंता करता है, उसको चिंता थी, इसलिए उसने होम डिलीवरी रोज इजरायलियों के लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाता था। होम डिलीवरी डोमिनोज ने, मैकडॉनल्ड्स ने, स्विगी, जोमैटो, डोमिनोज ने नहीं चालू की, परमेश्वर ने की, यीशु मसीह ने की। और ये जो मन्ना है वो खा के, लिखा हुआ है कितने लोग थे मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जो इजरायली लोग गुलामी, मिस्र की गुलामी से निकले कितने लोग थे। गिनती की किताब पहला अध्याय 46वां वचन, नंबर्स चैप्टर 146, गिनती की किताब दूसरा अध्याय 32वां वचन, वहां लिखा हुआ है पुरुषों की केवल संख्या दी हुई है 603,550 पुरुष थे, 6,3,550 men were there, अगर उनके साथ पत्नी और बच्चों को, चार पांच बच्चों को भी इंक्लूड कर लें तो करीब 20, 25, 30 लाख की भीड़ थी। और परमेश्वर ने सबको तृप्त किया स्वर्गदूतों के भोजन से। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है, आपकी परवाह करता है मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं है, वो आपको पसंद करता है, वो आपको प्यार करता है, वो कहता है मेरे बच्चे मेरे पास आए, मैं उन्हें ओ मन्ना दूंगा, हालेलुया। आत्मिक तौर से ये मन्ना क्या दिखाता है? परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा है मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। और ये जो बाइबल है मेरे प्रियो, परमेश्वर का लव लेटर है, प्रेम पत्र है, जब हम पढ़ते हैं आशीषित होते हैं, शांति मिलती है। और ये जो मन्ना खा के मेरे प्रियो, बाइबल बताती है भजन संहिता 105:37 में, जो करीब 20-25 लाख की भीड़ थी उसमें से कोई भी निर्बल नहीं था, नन वॉज सिक। सोचिए वो बड़े कड़क धूप में से, बयाबान में से होके जा रहे हैं, कठिन मौसम है, परमेश्वर ने उनको अपनी करुणा से उनके लिए बादल दिन के समय और आग का खंभा बन के रात के समय उनका अगुवाई की। रात को ठंड हो जाती थी आग का खंभा बनके ताकि उनको गर्माहट मिले, दिन में कड़क धूप मिडिल ईस्ट में 45, 50, 55 डिग्री टेम्परेचर तापमान हो जाता है, परमेश्वर अपने बच्चों की परवाह करता है और उनको हालेलुया वो ओ बादल का खंभा बनके
दिन के समय उनकी अगुवाई किया, उनको छाया प्रदान की और रात को आग का खंभा बन के उनके लिए रोशनी प्रदान की, गर्माहट प्रदान की ताकि उन्हें ठंड ना लगे रात को। और उस समय स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, परंतु परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। रास्ते में जहरीले सांप, ओ जंगली जानवर सबसे बचाया। मेरे प्रियो, ये वाचा का संदूक, आसान शब्दों में परमेश्वर की महान अद्भुत सामर्थ्य उपस्थिति को दर्शाता है। आज आप ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को जैसे ही मानेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हम शुद्ध होते जाएंगे, हमारा जीवन शुद्ध पवित्र होता जाएगा और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 16:11 में लिखा हुआ है, In the presence of God is fullness of joy. और उसका जो आनंद है, His joy is unspeakable and full of glory. उसका आनंद अवर्णनीय है और महिमा से भरा हुआ है। पहला पत्रस 1:8। परमेश्वर आपको तंदुरुस्त मजबूत बनाएगा, आपको स्वस्थ करेगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ओ बीमारियां हट जाती है, दूर हो जाती है, दर्द दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। भजन संहिता 97:5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति से पहाड़ भी पिघल जाते हैं, माउंटेन मेल्ट्स एट द प्रेजेंस ऑफ लिविंग लविंग गॉड। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आप निराश, दुखी, हताश हैं? खुशखबरी, परमेश्वर की उपस्थिति को उसका आज्ञा मान के, उसके वचनों पर चल के आप ले लीजिए। उसकी उपस्थिति में आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, चंगाई मिलेगी, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, आपका विलाप नृत्य में बदल जाएगा, आपकी असफलता सफलता में बदल जाएगी, आप जय जयकार करने पाएंगे, ओ आपका ओ खुश हो पाएंगे यीशु की उपस्थिति में। हालेलुया, आपका असंभव समस्याएं संभव हो जाएंगी। हालेलुया, आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ओह, योर प्रॉब्लम शैल बी सॉल्व्ड बाय जीसस क्राइस्ट, हिज मैग्निफिसेंट माइटी मार्वलस मैजेस्टिक मिराकल वर्किंग मर्सीफुल मल्टीप्लाइंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति में अंधकार ज्योति में बदल जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा, अद्भुत अनोखे आश्चर्यकर्म होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी स्तुति करें, तारीफ करें। हालेलुया, वो अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, जब ये वाचा का संदूक परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग ले गए, ले जा रहे थे अपने साथ, वो मिस्र की गुलामी में से ले जाकर वो प्रतिज्ञा के देश में जब जा रहे थे, जब यर्दन नदी एकदम ओवरफ्लो थी, पूरी लबालब भरी हुई थी, कैसे पार करें, इजरायलियों के पास बड़ी समस्या थी। और लिखा हुआ, याजक लोग वाचा के संदूक के साथ जैसे ही वो यर्दन नदी के जल में एंटर किए, यर्दन नदी दो भाग हो गई, असंभव संभव हो गया, अद्भुत अनोखा आश्चर्यकर्म हो गया। और लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, यरीहो जो यर्दन नदी है, यर्दन नदी दो भाग कैसे हुई, यहोशू की किताब 3 में दिया हुआ है। और उसके आगे जब वो और बढ़े इसराइली लोग, उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो मुसाफिर थे, यात्रा कर रहे थे बयाबान में से, बड़ी कठिन परिस्थितियों में से, बड़ा जो क्लाइमेट था बड़ा प्रतिकूल था, उनके अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल मौसम के बावजूद वो जा रहे थे परमेश्वर की महान उपस्थिति को लेके। और लिखा हुआ है, ये एक यरीहो शहर था, यरीहो, वहां बड़ी मजबूत दीवार बनी थी, वॉल ऑफ जेरिको, जो कई फीट चौड़ी लंबी मजबूत थी, वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ट अप, मजबूत बनी हुई थी, वो लोग उसको ढा नहीं पाते। परमेश्वर ने बोला, उसके चारों ओर
चक्कर मारो, और जब मैं कहूं तब जय जयकार करना एक साथ। और लिखा हुआ याजक लोग वाचा के संदूक को लेके ओ उसके चारों ओर घूम रहे थे, और जब परमेश्वर ने कहा जय जयकार करो तो लिखा हुआ है यरीहो की मजबूत सामर्थ्य स्ट्रॉन्ग ओ पावरफुल वॉल ऑफ जेरिको दैट वाज सो मच ओ 5 feet wide, दो दो तीन तीन रथ एक साथ दौड़ते थे, उतनी चौड़ी मजबूत थी। वो गिर गई। यहोशू 6वें अध्याय में इसका वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। यरीहो की दीवार गिर गई, आपके दुश्मन हटाए जाएंगे, गिराए जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में ओ प्रार्थना के द्वारा, वचन के बाइबल पढ़ने के द्वारा अपने हृदय में अपने जीवन में परमेश्वर की महान उपस्थिति को ले लीजिए। आप आशीषित हो जाएंगे, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा, आपका भविष्य आशीषित सुनहरा हो जाएगा। योर फ्यूचर विल बी ब्राइटर गोल्डन। ओह यस यस यस, बाय द सुपर नेचुरल पावर ऑफ जीसस। स्तुति करे, तारीफ करे यीशु की। धन्यवाद यीशु, प्रेमी यीशु, अद्भुत यीशु, सामर्थी यीशु, आप मेरे बीमारी को चंगा करने जा रहे हैं। सारा कैंसर, सारा फोड़ा, सारा दर्द, सारा माइग्रेन, अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, सब दूर होगा। ओ रसौलियां, ट्यूमर, ओ सब पिघल जाएंगे। किडनी स्टोन दूर हो जाएगा, निकल जाएगा यीशु के सामर्थी, अद्भुत चमत्कारी चंगाई भरे मीठे नाम में। आमेन, आमेन।